सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को एमपी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार था, वो इंतज़ार आप सभी का अब ख़त्म हो चुका है। एमपी बोर्ड द्वारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जारी कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उसकी रिजल्ट की जो लिंक है वो आपकी 31/7/2024 को जारी कर दी गई है और आप इस लिंक से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको ये लिंक कहां पर मिलेगी और आप अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने आपको बताया है कि एमपी बोर्ड की और सप्लीमेंट्री बोर्ड की जो रिजल्ट की जो मार्कशीट आती है, एमपी बोर्ड की यानी कि आपकी जो एमपी बोर्ड की फर्स्ट मार्कशीट आती है और उसके बाद सप्लीमेंट्री की जो आपकी मार्कशीट आती है, उन दोनों मार्कशीट में क्या अंतर होता है, उसका मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सप्लीमेंट्री मार्कशीट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी है कि सप्लीमेंट्री मार्कशीट आपकी नौकरी में काम आएगी या नहीं, मान्यता प्राप्त है या नहीं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का जो रिज़ल्ट डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। उसमें आपको एक रिज़ल्ट डाउनलोड करके लिंक दी जाएगी, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले ऊपर दिखाई जाएगा कि 10th क्लास सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2024। अगर आपने 10th क्लास का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट आप पहली वाले लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे आपको दिखा रहेगा कि 12th क्लास सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2024। आप इस लिंक से क्लास 12th का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अभी 10th क्लास का रिजल्ट डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 10th क्लास की जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर सबसे पहले आपको रोल नंबर इंटर कर देना है। रोल नंबर इंटर करने के बाद आप रोल नंबर इंटर कर दीजिए, उसके बाद में आपको नीचे एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है। तो चलिए, हम रोल नंबर इंटर कर देते हैं। जैसे कि रोल नंबर है, रोल नंबर इंटर करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन नंबर जो आपको एडमिट कार्ड में दिखाया गया है, उस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। एप्लीकेशन नंबर इंटर कर लीजिए। चलिए, एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रिजल्ट 2024 आपके सामने दिख जाएगा। इसमें आपको अपना रिजल्ट देख लेना है कि 2024 में आप पास, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया था उसमें आप पास हुए या फेल। तो चलिए, आप इस एग्ज़ाम में देख लीजिए कि आपको किस प्रकार के अंक मिले हैं और आपका क्या प्रोसेस रहा है। तो सबसे पहले थ्योरी में आपने जो पेपर में आप पास हो गए थे, वो पेपर तो वो उसमें तो आप पास हो गए थे, वो पेपर दिया ही नहीं होगा आपने, और जिसमें दिया था वो आपको देख लेना है कि आप पास हुए हैं या फेल। तो आप इस प्रकार अपना रिजल्ट सप्लीमेंट्री का डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हाँ आप इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको बताया गया है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगी सबसे पहले।